बड़ी खबर आपको बता दें, जगदीप धनखड़ आज उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जगदीप धनखड़ को एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाया गया है। धनखड़ दोपहर 12 बजे अपना नामांकन दाखिल करेंगे। दोपहर 12 बजे जगदीप धनखड़ अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे, जिन्हें एनडीए की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष की ओर से उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया। विपक्षी दलों ने मार्गरेट जलवा को उपराष्ट्रपति पद का प्रत्याशी चुना है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने मार्गरेट जलवा के नाम का ऐलान किया। मार्गरेट जलवा राजस्थान, गोवा, उत्तराखंड और गुजरात की राज्यपाल रह चुकी हैं। वो कर्नाटक की रहने वाली है। विपक्ष ने दावा किया है कि मार्गरेट को 19 दलों ने समर्थन का दावा किया है। उधर शिवसेना ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए वो विपक्ष के उम्मीदवार के साथ खड़ी है। शिवसेना की तरफ से ये बात कही गई है। मार्गरेट अलवाजी का नाम पर सहमति से मोल उठाई है। अनुभवी नेता रही, केंद्रीय मंत्री, फॉर्मर गवर्नर, बहुत साल राज्यसभा में रही, पार्लियामेंट में रही,